भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा उत्पात सिपाही में हो रहे युवाओं के मौत और बेहोश को लेकर झंडा मैदान से आक्रोशपूर्ण मशाल जुलूस निकाली गई। जो टावर चौक पर पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर भाजपाइयों ने झारखंड सोरेन पर जमकर हंगामा किया। भाजपाइयों ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने सिपाही दौड़ का फरमान जारी किया है। कहा कि भादो का उमस भरी गर्मी में छात्र दौड़ने को मजबूर है और पूरे झारखंड में अभी तक 10 छात्रों की जान जा चुकी है। इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी व अन्य भाजपाइयों ने कहा कि जो भी छात्र की जान गई है उसके परिजनों को 20 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी सरकार दे। वहीं जो घायल हुए हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाए और आगे जो भी समय बचा हुआ है दौड़ का उसमें छात्रों को ग्राउंड पर उचित व्यवस्था दिया जाए ताकि छात्र घायल ना हो। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को झूठ बोलकर हेमंत सोरेन ने सत्ता प्राप्त किया था। झूठा वादा करते हुए 5 लाख नौकरी की घोषणा किया था लेकिन आज तक इस वादा को सरकार ने पूरा नहीं किया। अब जब सरकार के कार्यकाल का महज 1 माह रह गया तो फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है और इसका जवाब चुनाव में जनता जरूर देगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा जिला मंत्री रंजीत कुमार राय, दिनेश यादव, नवीन सिन्हा, संजीव सिंह, शंभु शर्मा, आकाश सिंह, कुमार सौरभ, शुभम पांडे, गोपी दास, प्रकाश दास, महेंद्र वर्मा, आलोक केसरी, विक्की गुप्ता, श्रेयांत सिंह, भाजपा नेत्री मुनिया देवी, शालिनी वैसेखियार समेत सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता गण मौजूद थे। राज्य की इस हत्यारी सरकार ने जिस प्रकार उत्पाद विभाग पुलिस का जो दौड़ करवाए हैं, जो बिना नियमावली का ये जो उत्पाद विभाग का जो निकाले हैं, इससे 10 से 11 लोगों का जो अव्यवस्था है, जो यहाँ पे मतलब कोई देखने वाला नहीं है, इसका भी सुधार होना चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गिरिडीह में मशाल जुलूस निकालकर यहाँ के भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन जी का हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुतला जात पाना है और यह सरकार को जितना जल्द हो, क्योंकि झारखंड को हेमंत सोरेन ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। युवाओं की जान पर आफत आ गई है और ये मुख्यमंत्री जी चैन के नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज मशाल जुलूस निकाल कर उनका पुतला दहन करने का काम किया। विधानसभा 2019 में जिस प्रकार कर करके यहाँ झारखंड के युवाओं को गुमराह कर करके कि 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने पर 5 लाख बेरोजगारी भत्ता देंगे, भ्रमित कर करके सत्ता में आ गए। उसी प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। उसी के आलोक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा मशाल जुलूस निकालते हुए यहाँ पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया कि वहाँ जो भी बहाली हो व्यवस्था के तहत हो और इस तरह का इस मौत का जिम्मेवार राज्य सरकार है। मरे हुए लोगों को मुआवजा मिले उचित और इसका उच्च स्तरीय जाँच हो। उत्पाद विभाग में जो सिपाहियों की बहाली इन्होंने आनन फानन में दौड़ का आयोजन कर दिया, उस प्रतियोगिता परीक्षा का। अब बताइए कि जब समय भी नहीं दिया तैयारी के, अचानक से इतनी हड़बड़ी क्यों है? ये हेमंत महाराज को इतनी हड़बड़ी किस चीज की है? क्योंकि इन्हें पता है इनकी सरकार जा रही है। जब ये जनता के बीच जाते हैं, सरकार जा रही है और किसी तरह ये अपनी सरकार वापस बनाना चाहते हैं युवकों की बलि लेकर, बंद करिए हेमंत सोरेन ये सारे। और हमारी तो यह मांग है कि जिनकी जान जा रही है इस दौर में, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। बहुत अफसोस होता है इनके इस रवैये को देखकर। हेमंत सोरेन शर्म करो।